तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग इस ट्रक को भरने वाले हैं पानी से। और गाइस यार ये बनने वाला है चलता फिरता स्विमिंग पूल। यार रोडों के ऊपर इसे चलाएंगे और लेंगे पब्लिक रिएक्शन, भाई बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस ये रहा ट्रक, और सबसे पहले हमें पूरे को वाटरप्रूफ बनाना पड़ेगा, वो भी इन पन्नियों का यूज करके, क्योंकि यार अगर हम इसे वाटरप्रूफ नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा। तो पूरे को पहले हम सील करेंगे, पूरे को ढक देंगे यार पन्नियों से, उसके बाद भरेंगे इसके अंदर पानी। और यार इसकी बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, तो यार इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने पन्नियों को काटना शुरू किया ट्रक के साइज के हिसाब से, और फिर हमने ट्रक के पीछे रस्सियों से पूरा ब्लॉक कर दिया। तो हमने सबसे पहली पन्नी इंस्टॉल कर दी है, और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता इसमें पानी भर के कूदने की। तो गाइस अभी लगाई जा रही है पन्नी, पूरे को हम वाटरप्रूफ कर रहे हैं जिससे पानी ना निकले बिल्कुल भी बाहर, फिर मजा आएगा नहाने में बहुत ज्यादा। रुके रहना बस, अरे पकड़ साले क्या कर। तो गाइस सर बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, कुछ भी हो नहीं रहा है। सुमित के साथ कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। भाई ना आ पा रहा यार, हवा ने ऐसी तैसी कर रखी है पूरी, एक साइड से बिल्कुल लग चुका है। A few moments later. तो गाइस यार फाइनली हमारी अपनी वाटर प्रूफिंग तैयार कर दी है, काफी मेहनत लगी, 2-3 घंटे लग रहे हैं इसको वाटर प्रूफ करने में। अब बस ये है कि ये वाटर प्रूफ हो जाए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करी भाई साहिमी, अब भी इसमें लग रहे करने में। अब बस ये पानी चल जाए, अभी तक चला नहीं है। तेरी पैंट बहुत भारी हो गई। रुको रुको रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो। हमने एक चैलेंज लिया है, अगर इस ईयर के एंड होते होते हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम 1000 लोगों को खाना खिलाएंगे। और ये सुनने के बाद भी आपने, जी हाँ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखना भगवान आपको देख रहा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। हमने सोचा था हमारी वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छी है, पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं निकली। हमारा सारा पानी भरते ही नीचे ट्रक में से लीक होते जा रहा था, तो हमने तो सोचा था ये वीडियो फ्लॉप हो गई। पर नहीं, हमारे पास प्लान बी था। जो हमारे पास बड़ा सा पैराशूट था उसको हमने पूरा खोल के ट्रक के ऊपर लगा दिया, और अब हमें लगने लग गया था कि हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं। तो सभी लोग जुट गए पैराशूट को लगाने के लिए, और फिर वो टाइम आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नाना भलाई चाहिए पानी भर रहे। तो गाइस हम तो चाहते थे इस ट्रक को पूरा ऊपर तक पानी से भर दे, पर हमारी लाइट चली गई तो पानी का सप्लाई बंद हो गया। पानी तो हमने भर लिया, अब बारी कुछ स्टंट करने की। इसके बाद हमने ट्रक को आगे पीछे किया। Hey!
इस खतरनाक स्टंट के बाद तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। बिल्कुल भी, ये घर पर ट्राई मत करना, जैसे हमने आगे पीछे किया ट्रक, हम सोचते थे इसे रोड पे लेके जाएंगे, पर बिल्कुल भी रोड पे मत लेके जाना इस चीज को, क्योंकि जैसे पानी आगे पीछे जाता है तुम कहीं भी टकरा सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा बहुत बुरी तरह आगे गए, बहुत तेज पीछे गए, और यहाँ पर थोड़े लाइक पत्थर पड़े थे जो हमने पहले रखे थे, तो एक दो के लाइक थोड़ी बहुत लग गई, तो बिल्कुल भी घर पर ट्राई बिल्कुल मत करना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, रोड पे तो इसे बिल्कुल मत करना पानी भर के, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इतनी सारी मस्ती करने के बाद एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, हमारे पूरे ट्रक में से पानी निकल गया और हमारा पूरा स्विमिंग पूल डिस्ट्रॉय हो गया। फिर भी जितना पानी बचा था उसमें हमने मजे करे। तो गाइस यार आज की वीडियो से भी हमारा स्विमिंग पूल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप भी बड़ा वर्ड सब्सक्राइब बटन को डिस्ट्रॉय कर दो और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।